दिल्ली सरकार द्वारा आज दिल्ली में 7 दिन के लिए जो आगे लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स उसका स्वागत करता है। सही मायने में 6 मई को कैट ने एक चिट्ठी लिख करके दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये आग्रह किया था कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। हमें अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमारी बात को माना है और हम इसका भी स्वागत करते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन की बात करते हुए कल से दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेंगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में जो लोग बिना किसी पास के, बिना किसी चेकिंग के घूम रहे हैं, उन पर लगाम लगानी जरूरी है। इसके अलावा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स में भी चेक करने की जरूरत है कि बाहर से कोई व्यक्ति ऐसा ना आ जाए जिसको कोविड हो। यदि हम ये सब चीजें कर पाएंगे तभी जाकर के हम दिल्ली के अंदर कोरोना की चेन को तोड़ सकेंगे। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल से यह भी आग्रह किया है कि जिस प्रकार से उन्होंने अन्य वर्गों को रियायतें दी हैं, तो दिल्ली के व्यापारियों को भी वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी दुकानें बंद हैं, आमदनी का जरिया बंद है, जबकि खर्चे लगातार चालू है, चाहे वो कर्मचारी की सैलरी हो या और अन्य तरीके के हमारे खर्चे हों। तो उस पर मुख्यमंत्री को ध्यान देकर के दिल्ली के व्यापारियों को भी वित्तीय सहायता दी जाए, ये हमारी मांग है।